आजम ने मामा ने खसूसी मुकर्रर किया था, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही वो इस काम में इंटरेस्टेड नहीं थी और इसी तरह वो अपने आपस में नहीं जा रही थी और इस सिलसिले में जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी वो उनके मुताबिक काम नहीं कर रही थी। उसके बाद फिर कैबिनेट डिवीजन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया। इस तरह से उनको जो ओहदा मिला था वजीर मुमलिकत के बराबर, अब उनको मामा ने खसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया गया है, उन्हें सुपरसीड कर दिया गया है। इसी तरीके से वजीर आजम के मामा ने खसूसी की तादाद अब 13 रह गई है। जी